हेलो एवरीवन, दिस इज एनसीईआरटी क्लास 5 ईबीएस चैप्टर नंबर 1 सुपर सेंसेस पार्ट 2। नाउ वी विल स्टार्ट फ्रॉम पेज नंबर 4। राइट, इन व्हाट वेज डू ह्यूमन बीइंग्स मेक यूज ऑफ दिस स्पेशल सेंस ऑफ स्मेल ऑफ डॉग्स। डॉग की जो सूंघने की क्षमता होती है वो चोरों को पकड़ने में या कोई खोई हुई चीज को ढूंढने में और बॉम्ब्स तक को भी फाइंड ढूंढने में काम आती है। नेक्स्ट, व्हेन डू यू फाइंड योर सेंस ऑफ स्मेल हेल्प टू यू, लिस्ट सम एग्जांपल्स लाइक टू नो बाय इट्स स्मेल दैट फूड हैज गोन बैड और दैट समथिंग इज बर्निंग। तुम्हारे सूंघने की शक्ति तुम्हारे कब काम आती है उसकी एक लिस्ट बनानी है उन चीज़ों की। उदाहरण के लिए जैसे खाने की गंध से उसके खराब होने का पता चलता है या किसी चीज़ के जलने का पता चलना, इन सब चीज़ों की लिस्ट बनानी है। नेम द एनिमल्स दैट यू वुड बी एबल टू रिकोगनाइज ओनली बाय देयर स्मेल विदाउट सीइंग देम। तुम बिना देखे किन जानवरों की गंध से उनको पहचान सकते हो, उनके आपको नाम लिखने हैं, जैसे कि गाय है, भैंस है आदि। बहुत सारे ऐसे जानवर हैं जिनको हम उनकी गंध से पहचान सकते हैं। मछली भी इसका एक बहुत अच्छा उदाहरण हो सकता है। नेक्स्ट, राइट द नेम्स ऑफ 5 थिंग्स हुज स्मेल यू लाइक एंड 5 थिंग्स हुज स्मेल यू डू नॉट लाइक। ऐसी 5 चीज़ों के नाम लिखने हैं जिसकी जो गंध है वो अच्छी लगती है और 5 चीज़ें ऐसी जिनकी गंध आपको अच्छी नहीं लगती है। तो इसके लिए आई लाइक द स्मेल ऑफ परफ्यूम, फ्लावर्स, फेवरेट फूड सोप और शैम्पू हो सकता है, एंड आई डू नॉट लाइक द स्मेल ऑफ अकॉर्डिंग टू मी गार्बेज, काउडंग, डेड फिश, यूरिन एंड पॉटी। यू कैन गिव योर ओन आंसर्स एज वेल। सो नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट अ इंटरेस्टिंग स्टोरी ऑन पेज नंबर 5। ऑन पेज 5 स्टोरी से पहले डिस्कस है यहाँ पर, डू द क्लोथ्स ऑफ एनी ऑफ योर फैमिली मेम्बर्स स्मेल हुज। क्या तुम अपने घर के लोगों के कपड़े सूंघकर बता सकते हो कि कपड़े किसके हैं। एंड डिड यू एवर कम अक्रॉस एनी स्मेल इन अ क्राउडेड प्लेस सच एज अ फेयर, बस, ट्रेन एटसेट्रा। क्या आप कभी किसी भीड़ भरी जगह से जा रहे हो, जैसे किसी मेले से या किसी ट्रेन में, वहाँ आपको किसी प्रकार की गंध का या किसी मतलब स्मेल का सामना करना पड़ा हो, ये बताना है। नेक्स्ट, यहाँ पे एक स्टोरी है, वाई सो, ऐसा क्यों। टुडे रजनी हैड टू गो आउट फॉर सम इम्पॉर्टेंट वर्क। शी हैड टू लीव हर 6-month-old संदीपक विद हर सिस्टर सुशीला। आज रजनी को जरूरी काम से कहीं जाना पड़ा। वह अपने 6 महीने के बेटे दीपक को अपनी बहन सुशीला के पास छोड़ गई। सुशीला ऑल्सो हैज अ बेबी ऑफ द सेम एज। सुशीला की भी अपनी बेटी है, वो भी उसी की एज की है, दीपक की एज की है। इट वॉज फनी दैट बोथ द बेबीज डिड पॉटी एट द सेम टाइम। शी हैप्पीली क्लीन हर डॉटर, बट when she was cleaning her sister's son Deepak, she covered her nose with her dupatta scarf. मज़े की बात तो तब हुई जब कि दोनों बच्चों ने एक साथ पॉटी कर दी और उस समय अपनी बेटी की पॉटी धोने के लिए उसने अच्छे से धोई, और जब दीपक की पॉटी साफ करने लगी तो फटाफट उसने अपने मुंह और नाक को दुपट्टे से ढक लिया। There are some questions, think and discuss. सुशीला कवर्ड हर नोज वेन शी क्लीन दीपक स्नैपी बट नॉट वेन शी क्लीन हर डॉटर। वाई डू यू थिंक शी डिड दिस। सुशीला ने अपनी बेटी की पॉटी साफ करते समय तो मुंह नहीं ढका, लेकिन दीपक की पॉटी साफ करते समय उसने अपने मुंह को ढक लिया, ऐसा क्यों किया उसने। एंड हाउ डू यू फील वेन यू वॉक नियर अ हीप ऑफ गार्बेज, थिंक ऑफ द चिल्ड्रन हु स्पेंड द होल डे पिकिंग थिंग्स फ्रॉम सच गार्बेज। जब तुम कूड़े के ढेर के पास से गुजरते हो तो वहाँ की जो गंध होती है, जो स्मेल आती है वहाँ से, तुम्हें कैसी लगती है। उन बच्चों के बारे में सोचो जो दिन में कई घंटे इस कचरे के ढेर में से चीज़ें बीनते हैं, वहाँ से उठाते हैं। इज़ अ स्मेल गुड और बैड फॉर एवरीवन इन द सेम वे, और डज इट डिपेंड ऑन हाउ ईच वन फील्स अबाउट इट। क्या गंध का अच्छा या बुरा होना सभी के लिए एक जैसा होता है, या इस पर हमारी सोच का भी असर पड़ता है। गंध का अच्छा या बुरा होना उसकी सोच पर फर्क पड़ता है। जैसे कि स्टोरी से ही पता चल गया कि
जब सुशीला ने अपनी बेटी को क्लीनअप किया तो वो बहुत खुश थी, लेकिन जब दीपक को क्लीनअप किया तो उसने अपनी नाक को ढक लिया। और ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि क्योंकि दीपक उसका अपना बेटा नहीं था, तो उसे साफ करते समय उस गंध का असर उसकी सोच पर पड़ा और उसने अपनी नाक को दुपट्टे से ढक लिया। नाउ ऑन पेज नंबर 6, लेट्स सी, राइट द नेम ऑफ अ बर्ड विच हैज आइज इन फ्रंट ऑफ इट्स हेड लाइक इन ह्यूमंस। किसी ऐसे पक्षी के बारे में बताना है जिसकी आंखें सामने की तरफ होती हैं मनुष्य की तरह। एंड राइट द नेम्स ऑफ सम बर्ड्स विच हैव आइज ऑन आइदर साइड ऑफ द हेड, वॉट इज द साइड ऑफ देयर आइज एज कंपेयर्ड टू द साइज ऑफ देयर हेड। कुछ ऐसे पक्षियों के नाम लिखने हैं जिनकी आंखें सिर के दोनों तरफ होती हैं, इन पक्षियों की आंखों का आकार उनके सिर की कंपैरिजन में कैसा होता है। मोस्ट ऑफ द बर्ड्स हैव देयर आइज ऑन आइदर साइड ऑफ द हेड, देयर आइज कैन फोकस ऑन टू डिफरेंट थिंग्स एट अ टाइम। ज्यादातर पक्षियों की आंखें उनके सिर के दोनों तरफ होती हैं, ये एक ही समय में दो अलग अलग चीजों पर नजर डाल सकती हैं। वेन दे लुक स्ट्रेट अहेड बोथ देयर आइज फोकस ऑन द सेम ऑब्जेक्ट, जब वे बिल्कुल सामने देखते हैं तब इनकी जो दोनों आंखें हैं एक ही चीज पर नजर डालती हैं। नेक्स्ट, यू मस्ट हैव सीन बर्ड्स मूविंग देयर नेक वेरी ऑफन, डू यू नो वाई? इन मोस्ट ऑफ द बर्ड्स आइज आर फिक्स्ड एंड कैन नॉट मूव, सो बर्ड्स हैव टू टर्न देयर हेड्स टू सी अराउंड। आपने देखा होगा कि कई पक्षी अपनी गर्दन बहुत ज़्यादा हिलाते हैं, आप जानते हैं ऐसा क्यों करते हैं? वो ज़्यादातर पक्षियों की जो आँखों की जो पुतली होती है वो उसे घुमा नहीं सकते, वे अपनी गर्दन घुमाकर ही आसपास देखते हैं। यहाँ लास्ट में एक्सपेरिमेंट करने के लिए है, यहाँ पर हमारे लिए लुकिंग विद वन और बोथ आइज, एक आंख से देखना है और या फिर दोनों आंखों से देखना है इस एक्सपेरिमेंट में, देखते हैं क्या है। क्लोज योर राइट आई और कवर्ड इट विद योर हैंड, टेल योर फ्रेंड टू स्टैंड टू योर राइट एट सम डिस्टेंस एंड आस्क हिम टू डू सम एक्शन, वेव हैंड, शेक हेड एट्सेट्रा। आपको अपनी सीधी आंख को बंद करना है और हाथ या फिर हाथ से ढकना है, और उस समय आपको अपने किसी फ्रेंड से कहना है कि वो आपके बिल्कुल राइट साइड थोड़ी दूर पर रखकर खड़ा हो जाए और कुछ एक्शन करे, जैसे कि हाथ हिलाए या फिर अपनी गर्दन हिलाए। नाउ ट्राई टू लुक एट योर फ्रेंड्स एक्शन विद बोथ योर आइज। इससे पहले हमें देखना है कि कुड यू सी योर फ्रेंड्स एक्शन विदाउट मूविंग योर नेक। आपको देखना है कि क्या आप बिना गर्दन घुमाए अपने फ्रेंड के एक्शन को देख पाते हैं। और नाउ ट्राई टू लुक एट योर फ्रेंड्स एक्शन विद बोथ योर आइज ओपन बट विदाउट मूविंग योर नेक। अब आपको दोनों आंखें खोलकर बिना गर्दन घुमाए जो राइट तरफ के तरफ जो खड़ा है आपका फ्रेंड उसके एक्शन को देखना है। देन वॉट वॉज द डिफरेंस डिफरेंस ऑन लुकिंग विद वन और बोथ आइज, तो दोनों तरीकों से देखने पर आपको क्या अंतर पाया आपने, ये बताना है।